आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। जमुई जिला झाझा से बलजीत पासवान की रिपोर्ट। गांधी जी की प्रतिमा को लेकर आंदोलन में खड़े होकर लोगों ने अपने अपने सिग्नेचर कर मोबाइल नंबर लिखा। गांधी जी की प्रतिमा में हाथ टूट जाने के कारण नया गांधी जी की प्रतिमा लगाने की मांग करते हुए सोमवार की संध्या समाजसेवी संघ ग्रामीण ने आक्रोश बोला। बबलू केसरी ने कहा कि पूरे भारत या पूरे वर्ल्ड में ऐसा प्रतिमा झाझा में देखने को मिल रहा जिनमें गांधी जी दो लाठी लेकर खड़े हैं, देखने को मिल रहा है कि दो लाठी लेकर गांधी जी खड़े हैं, ऐसा क्यों? झाझा के नगरवासी 10-12 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि गांधी जी की नई प्रतिमा लगाया जाए, मगर अभी तक किसी भी अधिकारी या कोई भी नेता या कोई भी प्रतिनिधि तक देखने भी नहीं आए कि गांधी जी की प्रतिमा नया लगे। ऐसा कोई बोलने को भी आगे नहीं आ रहे हैं कि मैं सरकार से और बड़े अधिकारी से प्रार्थना विनती करता हूं कि जल्द से जल्द गांधी जी का नया प्रतिमा लगाया जाए। झाझा के नगरवासी जनता जनार्दन सारे लोग सोमवार को आकर गांधी जी की प्रतिमा को लेकर आंदोलन में खड़े होकर अपने अपने सिग्नेचर कर मोबाइल नंबर लिखा और बोले कि और इसी तरह अलग अलग तरीके से आंदोलन होते रहेगा और कुछ ही दिनों में नई मूर्ति गांधी जी नहीं लगी तो भूख आंदोलन करेंगे, उससे भी नहीं हुआ तो जल का आंदोलन करेंगे, बिना जल पिए धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या हो रहा है सर? क्या हो रहा है तो सब देख रहा है। सत्य और अहिंसा के पुजारी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपना सब कुछ नकाबर कर दिए। ऐसे महान आत्मा की मूर्ति आज गांधी चौक पर विखंडित है। पहले भी विखंडित हुआ था, बहुत प्रयास के बाद इसे लगाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से 10 दिन पहले कागज और बढ़ा आगे बढ़ के सिग्नेचर कर दिए। क्या हो रहा है सर यहाँ? देखिए, झाझा पूरे राष्ट्र को एक मैसेज दे रहा है। झाझा में हमारे गांधी जी डबल डंडा लेके चल रहे हैं, जो पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए आश्चर्य की बात है। अगर इस पूरे विश्व में नौवां आश्चर्य अगर कहीं कोई होगा तो ये झाझा 10वां आश्चर्य में जरूर गिना जाएगा। हमारे यहाँ जो गांधी चौक पर गांधी जी की प्रतिमा है, उसमें एक लाठी नहीं बल्कि दो दो लाठी गांधी जी रखे हुए हैं। अब पता नहीं ये क्या व्यवस्था है यहाँ पूरे जम्मू जिला का या बिहार का, क्या? हाँ सूरज जी, क्या हो रहा है? देखिए, सभी लोग जान रहे हैं, सिर्फ झाझा जम्मू जिला ही नहीं, यहाँ तक कि पिछले दिनों से पूरा बिहार जान रहा है कि झाझा में क्या हुआ है। सत्य अहिंसा के पुजारी, भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले ऐसे जननायक महात्मा गांधी जी की प्रतिमा खंडित हो गई है, यह पूरा बिहार जान रहा है, परंतु झाझा के प्रशासन, जिला प्रशासन और जिला के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, यह जानते हुए भी उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है।